Assalamualaikum Nazrin, मैं हूँ आपका मेजबान अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सलाद फिश। आइए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ इसके लिए मैं किन किन चीजों की जरूरत है। यहाँ पर मैंने 1/5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून दादर मिर्ची है, 1 टेबल स्पून हल्दी है और मेरे पास ये यहाँ पर है रेड चिली यानी कि पिसी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास जो है 3 टेबल स्पून का गरम मसाला है, इसके अंदर जो है जीरा अजवाइन और धनिया इनको पीसा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास जो है लहसुन का पाउडर है, लहसुन वगैरह का पेस्ट ये जो है 2 टेबल स्पून है। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून ऑयल है कुकिंग ऑयल। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून जो है विनेगर सिरका। ये मेरे पास 1 चुटकी सतारंग है और यहाँ पर मेरे पास 2 किलो मछली है, ये काला रोह है। ये बाजार से इसके बारे में मसाला लगवाया हुआ था, आप भी मसाला जरूर लगवाइएगा क्योंकि इससे जो मछली की खास किस्म की छान होती है इससे बहुत ही मजा आती है। ये मेरे पास 1/2 कप जो है मैदा है, इसके लिए हम सारी चीजें मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर मैंने जो मेरे पास मुझे ऐड किया जो मेरे पास थी चीजें इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, फिर ये मिक्स कर लेंगे। ये इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगा। ये इसके अंदर मैं ऐड करूंगा सिरका, तो मैं मिक्स कर लूंगा सारे मटेरियल को। अब पहले इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ये मसाले के अंदर मैंने मछली डाल दी है और अब ये हम जो है इसको जो है मसाला लगाएंगे और फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने कर रख देंगे। मैंने आल गरम होने कर रखी है, जब आल गरम हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर फिश डाल देंगे। हमारी फिश अब मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। आल गरम हो चुका है, अब इसके अंदर मैं मछली डालूंगा। ये जो थोड़ी तौर पे आप इसको लादा करें, अगर आप इसको लादा नहीं करेंगे तो आपस में जुड़ नहीं सकती है। आप इस मछली को घर में जरूर ट्राई करें, जो है ना ये जो मछली है ना ये जो हम लोग निकाल से बनाएंगे बहुत नरम मछली बनेगी। जब अक्सर हम अपने घर में जब मछली बनाते हैं ना वो मछली जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सहज हो जाती है, जिस वजह से बच्चे बूढ़े जो है उनको खाने में दिक्कत होती है, उसको खाना पसंद नहीं करते। ये मछली बहुत नरम बनेगी और ये बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। आपने जो 6 से 7 मिनट जो है एक पीस को फ्राई करना है और मछली के जो पीस को इस तरह से ऊपर से पुश करना है ताकि मछली अंदर से भी गल जाए। जी हाँ, इन मसाला से हमारी मछली तैयार हो चुकी है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे।
भी तैयार हो चुकी है, इसे हम बाहर निकालेंगे। जी नाजरी, हमारी मछली तैयार हो चुकी है और अब जो है ये बहुत गर्म मछली बनी है। ये देखिए बहुत गर्म है और ये बच्चों को भी पसंद है। जो है आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को जरूर खिलाएं। तो आप हमें याद रखिएगा, नई वीडियो में ऐसी बना सकूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।